कोई कह रहा है अमित शाह के घर गए तो उनकी चप्पल उतरवा ली गई। तो अपनी बेइज्जती से बचिए, आप इतने लाचार और बेबस मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नते करते हुए फिर रहे हैं, अमित शाह के यहां घुटना टेक रहे हैं, लेकिन यही मुख्यमंत्री जो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। पिछले 15 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई झगड़े जूतम पैजर, इसमें पूरा समय भाजपा की सरकार और आदित्यनाथ जी का बीत रहा है। और 2 दिन से जो कुछ घटनाक्रम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, जो अपने आप को बहुत बहादुर और शक्तिशाली बताते हैं, वो कभी अमित शाह के यहां घुटना टेक रहे हैं, कभी मोदी जी के यहां घुटना टेक रहे हैं, वो कभी जेपी नड्डा के यहां घुटना टेक रहे हैं, वो कभी बीएल संतोष के यहां घुटना टेक रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नते करते हुए फिर रहे हैं, और उनकी हालत स्कूल के उस बच्चे की तरह हो गई है जिससे कोई गलती हो जाती है तो कान पकड़ के सारे टीचर के सामने माफी मांगता रहता है। आदित्यनाथ जी अपने आप को तो आप महाराज कहलाते हैं, मैंने वो भी दौर देखा है जब गोरखपुर के मठ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी आया करते थे। मैंने वो भी दौर देखा है जब देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर के मठ में आते थे। आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब आदमी के लिए ताकतवर और मजबूत बन जाते हैं, उस पे मुकदमा और FIR कर देते हैं, आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जेल में सड़ा देते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इतने लाचार और बेबस मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि आपका नाम घुटना टेक मुख्यमंत्री रख देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक घुटना टेक मुख्यमंत्री हैं जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात बीत जाए तो फिर सुबह से सिर्फ दर दर पे घुटना टेकने का काम कर रहे हैं। और कैसा कैसा मजाक उड़ रहा है आदित्यनाथ जी के बारे में, सोशल मीडिया पे पढ़ पढ़ के आपको हंसी आती है। कोई कह रहा है अमित शाह के घर गए तो उनकी चप्पल उतरवा ली गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अपनी बेइज्जती से बचिए, और अभी भी मौका है। इतना बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी बेबसी से अच्छा है आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का काम आगे बढ़ सके। कोरोना के महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से आप कैसे लड़ेंगे इसकी चिंता नहीं है, आपकी सरकार कैसे उन परेशानियों को दूर करेगी इसकी चिंता नहीं है, पूरी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपसी लड़ाई झगड़े में व्यस्त है, और उस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को घुटना टेक मुख्यमंत्री बना दिया गया है, घुटना टेक मुख्यमंत्री। लेकिन यही मुख्यमंत्री जो घुटना टेक मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री खुशी दुबे के लिए ताकतवर हो जाता है, अमर दुबे की माताजी के लिए ताकतवर हो जाता है, विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी के लिए ताकतवर हो जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें।
क्योंकि कोरोना काल में दो गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।